ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई तुमने सीजन नोटिस किया है कि जैसा पहले सीजन में होता था, वीक 3 और वीक 6 के बाद हैकर आना शुरू होते थे और वीक 6 के बाद इतने हैकर आते थे भाई कुछ पूछो मत, कितने हैकर आ जाते हैं। तो भाई इस सीजन पता नहीं क्यों भाई बहुत हैकर आ रहे हैं भाई। एक मतलब परसों जैसा मेरे को मिला था, फिर एक कल भी मिला, आज मेरे को 3 हैकर मिल चुके हैं भाई सुबह से। भाई पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब जल्दी हैकर बहुत जल्दी सीजन तो आ गए भाई। तो भाई तुम बताओ अभी तक तुम्हें कितने हैकर मिले हैं? मतलब जितने भी 50-60 तुमने मैचेस खेल लिए होंगे एक हफ्ते में, तुम्हें कितने मिल चुके हैं? अगर मैं बोलूँ तो मेरे को 5 से ज़्यादा ही मिले हैं भाई, एटलीस्ट 500 मिले ही हैं, जो मेरे पास प्रूफ भी है और मेरे पास क्लिप भी पड़ी हैं। तो भाई देखो, इस गेम प्ले में कोई हैकर नहीं है और मेरे पास और भी हैकर गेम प्ले पड़े हैं, बट भाई वो मैं मन नहीं कर रहा डालने का क्योंकि ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो भाई इस गेम प्ले में देखो, यहाँ पर मैं फार्म पे आता हूँ और पीछे साइड एक बंदा भी उतर जाता है, मैंने देख लिया था वहाँ पर एक बंदा है, मेरे को इसलिए जल्दी लूट करना है और जल्दी रोटेशन देनी है। तो भाई रोड साइड मुझे यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है और सामने देखो वहाँ पे बग्गी मुझे स्पॉट हो गई थी, इसलिए मैं बाइक लेके जाऊँगा सीधा बग्गी की तरफ। और यहाँ पे भाई पता नहीं क्या लगता अभी तक मेरे को एक भी बॉटल तिल नहीं मिला, मैं समझ गया नहीं अनलक्की गेम तो नहीं है, बट भाई देखो ये वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है। यहाँ पर मेरे 9 किलो होते हैं और भाई समझ लो चिकन डिनर को टक्कर से छू के वापस आ जाता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे को सामने एक बॉट मिलता है, इस बॉट को आराम से कुचल दिया, इसकी लूट वूट देखता हूँ क्या क्या गनती है इस पर। तो भाई इसके पास ये UMP-45 और ये पता नहीं जो भी कार-90 की सस्ती कॉपी थी। तो भाई यहाँ पे मैंने कुछ भी उठाया नहीं इस बॉट से एमो के अलावा, यहाँ पे मतलब गाड़ी लेता हूँ सीधा सामने वाले कंपाउंड पे जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत लूट करूँगा और वहाँ पे होल्ड करूँगा जब तक भाई पहला जोन नहीं बन जाए और देखते हैं भाई दूसरा जोन कहाँ पे बनता है। यही सोच के यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ और यहाँ पे देखो भाई काफ़ी देर तक यहाँ पे रुकता हूँ और यहाँ पे ठीक ठाक सी लूट मिल जाती है मेरे को। तो भाई देखो पहला जोन आने वाला है, देखते हैं भाई दूसरा जोन कहाँ पे बनता है। ओ भाई देख रहे हो जोन को देख के भाई अभी तक पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे बनेगा। तो भाई मैंने सोचा अगर गेम प्ले बनाना है और मेरे पास अभी तक एक भी गेम प्ले नहीं बना सुबह से, सारे के सारे हैकर ने पेला है मेरे को, इसलिए मेरे पास एक भी गेम प्ले नहीं है भाई। तो फिर मैंने सोचा अभी से ही किल निकालना शुरू कर देता है। तो भाई सामने आता हूँ यहाँ पे एकदम यासना के सामने वाले पेट्रोल पंप पे, यहाँ मेरे पीछे से गाड़ी स्पॉट हो जाती है, यहीं पे गाड़ी पार्क थी। तो भाई देखो यहाँ पे गाड़ी है, मैं इसको पेलने के लिए यहाँ पे आता हूँ और अभी मेरे को भाई किल चाहिए। तो ये बंदा मेरे यहीं पे आ चुका है, मैं सोचा इसे फाइट लेंगे। तभी भाई इतनी देर में यहाँ पे एक बंदा भाई डार से लेके यहाँ पे आता है, मैंने ना ही कोई गन साउंड दी ना ही मैंने कोई फुटस्टेप, मतलब ढंग से उस बंदे को पता कैसे चला मैं एकदम यहीं पे हूँ और बंदा भाई कैसे मेरे को एकदम उतर के मारने लग गया। देखो भाई तो भाई पता नहीं बंदा क्या खा के आया था भाई, बंदे ने कुछ ज़्यादा ही जोश था बंदे को। तो भाई इसको आराम से मैं लपेट लिया, मुझे लगा कहीं हो सकता है इस बंदे ने टीम अप तो नहीं किया था, बट भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो भाई सामने देखो ये बंदा भाई काफ़ी देर तक, मैंने भाई बहुत पोर्शन कट कर दिया, कम से कम यहाँ पे दूसरा जोन बन गया था तब आया था मैं, अब देखो भाई तीसरा जोन आने वाला है। तो भाई गाड़ी उठाता हूँ, मैं सोचा एक हल्का सा फ्लैंक मारते हैं, अब यहाँ पे 2x फास्ट स्पीड है थोड़ा सा मैं फ्लैंक मारता हूँ। इस बंदे को लगे मैं यहाँ से जा चुका हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा सोच रहा था अगर इसे ये ओपन में आएगा तो मैं इसे पेलूंगा। और बात रही इसी गाड़ी की, मैं इसे गाड़ी टाइप फोड़ चुका था और यहाँ पे ये बंदा ओपन से आता अगर ऐसा मेरा प्लान था, बट भाई प्लान से एकदम अपोजिट हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे पीक लेता हूँ ना बंदा मतलब तैयार था, मतलब मैं ही मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो सकती है इसलिए भाई ज़्यादा बकैती नहीं करनी इससे, यहाँ पे थोड़ी देर और रुकता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ भाई रोटेशन के लिए। तो यहाँ पे गाड़ी उठाता हूँ और सीधा भाई निकलता हूँ क्योंकि भाई जोन बन चुका है थर्ड वाला और भाई फोर्थ जोन कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं निकलता हूँ भाई जल्दी से जल्दी, क्या पता बंदा भाई कब फ्लैंक व्लैंक मार दे खुद और मेरा भाई भसा सा तार देगा भाई इसने फ्लैंक मार दिया। तो भाई यहाँ पे मैं निकल लेता हूँ भाई जोन के लिए। और भाई जो सामने वाला स्क्वाड हाउस के एक पीछे कंपाउंड है ना, यहाँ पे एक बंदा था भाई, मुझे पता नहीं वहाँ पे बंदा है और बंदा भाई क्या चुलपंती है मेरे पे फाइल लेता है यूजी से और मेरी गाड़ी के टायर फोड़ दिया। और देखो भाई बग्गी का एक टायर फूटा पड़ा है, अब मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करता हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ पे पूरी नाच गई। ओ भाई यहाँ पे देखा तुमने, जैसे इसने फायर किया ना मैं समझ गया भाई गाड़ी आगे जाने नहीं वाली और मैं तुरंत उतरता हूँ। इसको स्कारलेट से थोड़ा सा डैमेज दिया, इसने भी मेरे को डैमेज दिया भाई अच्छा खासा। फिर मैंने M7 स्विच कर ली क्योंकि अगर रिलोड करता भाई क्या ही ओपन में पेलता है बंदा मेरे को, जैसे ही M7 स्विच की ना बंदे को क्या ही पेला। तो भाई यहाँ पे इसकी पेटी से मेरे को काफ़ी एमओ मिल जाती है, स्कोप सब कुछ मिल जाता भाई। तो यहाँ पे इसकी गाड़ी उठाता हूँ और सीधा निकलता हूँ भाई रोटेशन के लिए।
तो यहाँ पे एक बंदा था राइट साइड में पहाड़ी पे, वो बंदा भाई काफी गंदा मेरे फायर ब्रिगेड डीपी से, मैं समझ गया भाई उसके साइड जाना नहीं है, इसलिए भाई यहीं पे यहीं मैं सोचा यहीं कहीं होल्ड करेंगे। और देखो भाई अब मैं एंड जोन में रोटेशन के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे भाई परफेक्ट पोजिशन चाहिए जहाँ पे कोई बंदा ना हो। अब भाई देखो यहाँ पे कैसे गाड़ी घुमा रहा हूँ, यहाँ पे देखो भाई सामने सैक था, यहाँ पे अच्छे खासे पत्थर अच्छा मतलब कवर भी थे, यहाँ पे कोई बंदा हो सकता था। देखो भाई क्या गाड़ी घुमाता हूँ, और यहाँ पे जब मैं एकदम कंफर्म हो जाता हूँ यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, फिर यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ और क्या ही किल निकालता हूँ भाई। और सामने जो शैक था ना, अभी देखो भाई क्या होता है वहाँ पे, अभी शैक का दरवाजा एकदम भाई खुला हुआ था, मैं सोचा वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है इसलिए वहाँ पे कोई नहीं होगा, बट थोड़ी देर वापस मैं आता हूँ यहाँ पे, शैक का दरवाजा बंद हो गया है भाई, क्या मजाक चल रही है, मतलब वहाँ पे बंदा कन्फर्म है। और देखो ये बंदा बाहर निकलता है, उसे क्या ही पेलता हूँ मैं भाई, भांग वांग खा गया था क्या भाई, नहीं भाई भाई क्या 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 वो कहती है भाई फुल भाई ओपन में क्यों लेट रहा था भाई, ऐसे बड़ी शैक में रहते कम से कम बच्चे तो रहते भाई, क्या ही बोले बंदे को। तो यहाँ पे भाई जोन आने वाला था, फिर मैंने यहाँ पे बूस्ट वोस्ट मारा और गाड़ी लेकर निकलता हूँ भाई रोटेशन के लिए। और यहाँ पे देखो भाई जोन के क्या ही रोटेशन देता हूँ, बट भाई यहाँ पे पता नहीं क्या था, अनलक्की समझ लो भाई, यहाँ पे मैंने भाई गाड़ी का फ्यूल पे ध्यान नहीं दिया और भाई एकदम बूस्ट लेके जा रहा हूँ, क्योंकि भाई सामने रिज है मतलब वहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो हुई, तो भाई बंदे क्या ही उतारेंगे, इसलिए मैंने भाई बूस्ट मार के जा रहा हूँ। और यहीं पे एग्जैक्ट यहीं पे मेरा फ्यूल हो जाता ख़त्म और मैं जोन के बाहर एकदम ओपन में, भाई क्या ही भाई गंदा स्कैम होता है, बट भाई लक अच्छा था यहाँ पे कोई बंदे ने मेरे को स्पॉट नहीं किया, और मेरे को पता था राइट साइड में एक बंदा है वो मेरे को पेल सकता है। और देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, तो राइट साइड में मेरी नज़र जाती है वहाँ पे फायर आया था, तो भाई उस पत्थर के बगल से मेरे को फायर की साउंड आई थी, बट भाई मुझे सच्चे बोलो अभी तक स्पॉट नहीं हुआ था बंदा, मैंने भाई रैंडमली अंधा वहाँ पे हल्का सा मुझे कुछ लगा ब्लैक ब्लैक सा, उस पत्थर के पीछे कुछ है, तो भाई मैंने वहीं पे रैंडमली फायर लिया और पहली गोली वही हेडशॉट लग गई, मैंने वहीं पे पूरा स्प्रे कंटिन्यू किया, क्या ही मतलब ओपी फिनिश हो गया बंदा। तो यहाँ पे भाई जोन आने वाला था और एकदम मैं जोन के बाहर और इतना दूर हूँ, प्लस अब मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे कैसे मैं बचता हूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी रोटेशन ले लेता हूँ, क्या पता भाई एंड में जाऊँ जोन का डैमेज मिले, प्लस कोई बंदे ने एक आध गोली मार के लपेट लिया भाई, क्या ही गंदा लगेगा भाई, इसलिए मैं जल्दी चलाता हूँ। और यहाँ पे देखो भाई अभी मेरे पास कोई भी बूस्ट नहीं है और जितनी हिलिंग है तीन भी फर्स्ट एड है, अब यहाँ पे स्मोक करूँ तो कितने करूँ, कहाँ पे करूँ भाई, देखो यहाँ पे क्या तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं होता एनिमी की जगह मैं कहाँ पे होता, ये जो सामने वाली रिज है ना ये परफेक्ट रिज है भाई, यहाँ पे अगर मैं होता तो यहीं पर रुकता, इसलिए मैंने एक रिज पे स्मोक कर दिया और तभी पीछे मुझे यहाँ पे बग्गी स्पॉट हो जाती है, इतना समझ गया भाई वहाँ पे कोई बंदा हो सकता है, इसलिए मैं राइट साइड में ही लेफ्ट साइड जाता हूँ। और देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, तो भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में था, ओपन में मैं ऐसे फाइल लिया और आराम से फिनिश, तो भाई इस बंदे को क्या ही हेडशॉट मारा। अगर ये तुम्हें स्प्रे अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक करो और अभी सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। तो भाई यहाँ पे देखो क्या ही मतलब अभी ओपी के ओपी किल निकलते हैं, अभी मेरे पास 6 किल हैं और यहाँ पे थोड़ी देर में देखो कितने किल निकलते हैं, और अभी यहाँ पे 5 बंदे बचे हैं और जोन जस्ट आ ही रहा है और मैं यहाँ पे प्रोन हो गया। फिर देखो भाई एक बंदा लेफ्ट साइड के जो हल्की सी दो कुटिया टाइप है वहाँ पे था, वो बंदा मतलब काफ़ी गंदा पेल रहा था, तो भाई देखो उसके साइड मैंने स्मोक कर दिया, क्या पता अगर बंदा मेरे को स्पॉट करे तो पेल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मोक कर दिया और यहाँ पे काफ़ी देर तक होल्ड कर दूँ। और जोन आने वाला था तभी वो बंदा भाई बग्गी लेके यहाँ पे आता है और भाई देखो इस बंदे को क्या ही गंदा पेलता हूँ भाई, तो भाई इस बंदे को मैंने काफ़ी गंदा डैमेज दिया, मैंने रिलोड होने की M7 स्विच किया और उसके ऊपर एक मॉली फेंक दी, क्या पता बंदा भाई मॉली से जल वल जाए तो। और देखो भाई ये बंदा स्मोक कर रहा था, तो भाई अभी देखो यहाँ पे 1v1 की सिचुएशन है, मेरे 7 किल हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करता हूँ और भाई बस अब यहीं से बद्दुआ लग गई भाई इस बंदे की, ये बंदा इतना अच्छा खेल रहा था इसकी बद्दुआ ही मेरे को लग गई भाई। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं लूट रहा था तभी देखो मुंह के सामने एक नेट आया, हल्की सी भी अच्छी किस्मत थी, मैं यहाँ पे नेट देख लिया और नेट कुक नहीं था, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ और नेट से बच जाता हूँ। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, मैं सामने स्मोक किया, तुम्हें लग रहा होगा स्मोक हुआ है या नहीं हुआ, देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, एकदम ही 400 पिन आ गई, मैं यहाँ पे एक्शन कर रहा हूँ भाई, गन पकड़ रहा हूँ हाथों में, कुछ हो जाए जैसे ही मैं डेटा ऑफ स्विच करता हूँ ना वो बंदा मॉली फेंकता है, भाई क्या चलती है उस बंदे में, ओपन से रश कर रहा है प्लस जोन के बाहर मैं हूँ भाई, मैं पे रश कर रहा है। अब देखो भाई भाई जैसे मेरी यहाँ पे बफरिंग वाला हटा उस बंदे ने मेरे को स्पॉट कर लिया था और मतलब कुछ एक्शन कर पाता है, गन जैसी हाथों में पकड़ी
और क्या ही भाई, क्या ही बोलूं भाई, बंदे ने पेल दिया। ये बहाने नहीं है भाई, सच्ची बोल रहा हूँ। ये चिकन मेरा था भाई, कसम से इस बंदे को गंदा पेल था। अगर नेट ने धोखा ना दिया होता भाई तो भाई डैश रिप्ले देखो, ये बंदा भाई गन पीछे रख के कैसे हवा में उड़ रहा है भाई। गन पीछे ना इसकी, देखो भाई। तो यहाँ पे सामने स्मोक था, जैसे स्मोक हटा ना और यहाँ पे मैं खड़ा हुआ तो भाई बंदे ने लपेट लिया। तो भाई मैं क्या ही बोलूं, सस्ता इंटरनेट वाईफाई किया भैंस की टैट ब्रो। चलो भाई यहाँ पे प्लेटिनम 4 पे था मैं और प्लेटिनम 3 पे। तो भाई इस मैच में मेरा 43 प्लस होता है। तो भाई तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करो, और भाई हमारे 5K बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो भाई थैंक यू इतने लव और सपोर्ट के लिए, तो भाई थैंक यू उसके लिए। तो भाई आज की वीडियो नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ड्रॉप पर लाइक सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइज़।